Hey buddies, welcome back to my channel. This is your 16-year-old YouTube friend Kiara and I'm currently a student of class 10th. So I'm really happy that I was able to finish the syllabus of Hindi here on YouTube. अगर आपने देखा हो तो recently अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक community post डाली थी. It was a poll about the videos that I should upload now. तो अभी तक तो आप सभी ने maximum votes English explanations को दिए थे. So here I am with an English video today. Seriously guys, ना जाने मैं कितने months के बाद आज English explain करने वाली हूँ. So I'm really excited because ये मेरा favorite subject है. Last time मैंने August में ही Nelson Mandela वाले chapter की video upload की थी. So आज I'm back with another one from our book First Flight. We will be studying chapter 3, two stories about flying's part 1, his first flight, जिसके author हैं Liam O'Flaherty. Oh my god, कितना अजीब सा नाम है. But before that, I wish to tell you that अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो community section पर, चैनल के community section में हमेशा वो poll available है, so you can go vote for it right now. Plus, I'm also linking the English playlist right here in the I button and also in the description, ताकि आप उसमें English videos को easily access कर पाओ. Now that being said, let's get started. So before starting the word-to-word explanation, let me give you a little introduction of this chapter. होता क्या है guys, यहाँ पर एक seagull family की बात हो रही है. Seagulls एक type के seabirds होते हैं जो कि mainly islands और समंदर किनारे पाए जाते हैं, coastal areas में. ये medium to large size birds होते हैं और typically greyish white color के होते हैं. वो carnivorous होते हैं और उनकी एक special ability होती है कि वो ducks की तरह पानी में easily float भी कर सकते हैं. तो हमारे chapter कि सीगल फैमिली में एक छोटे सीगल के एक्सपीरियंस को दर्शाया गया है. उसको अपनी पहली उड़ान भरनी होती है बट वो ऐसा करने से डर रहा होता है. फाइनली वो उड़ना कैसे सीखता है, आइए देखते हैं. एक छोटा सा सीगल अपने लेज पर अकेला था. लेज होता है क्लिफ या फिर माउंटेन का किनारा. सो वी कैन इमेजिन एक छोटा पहाड़ है और उसमें एक केव सा स्ट्रक्चर है जहाँ एक बेबी सीगल बैठा है उसके एज यानी किनारे पर. उसके दोनों भाई और एक बहन ऑलरेडी उड़ चुके थे द डे बिफोर, यानी कि वो तीनों एक दिन पहले ही उसे अकेला पहाड़ पर छोड़कर उड़ गए थे. दिस मीन्स कि वो चारों उड़ना सीख रहे थे उस समय, पर वो छोटा बेबी सीगल वहीं अकेला रह गया था. क्यों? बिकॉज ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. नाउ दिस इज़ अ फीलिंग जो कि कभी ना कभी हम सभी के साथ होती है, राइट? आपने कभी भी एक छोटे बेबी को चलना सीखते हुए देखा है? लाइक एट फर्स्ट ही इज सो अफ्रेड टू टेक दोज लिटिल बेबी स्टेप्स. ऐसे ही हम भी रिस्क लेने से बहुत डरते हैं. आई रिमेंबर जब मैं पहली बार वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी, इवन इफ आई प्लेड वेल, अंदर ही अंदर एक डर सा था कि आई वुड नॉट परफॉर्म वेल. ऐसी ही फीलिंग हमारे बेबी सीगल के साथ थी. इवन इफ़ ही वॉज़ अ बर्ड एंड उड़ना उसकी एक नेचुरल इनहेरेंट एबिलिटी थी, वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान लेने से बहुत डर रहा था. समहाउ जब उसने ब्रिंक ऑफ द लेज यानी उस क्लिफ के किनारे तक एक छोटी सी दौड़ लगाई और उड़ने के लिए अपने विंग्स को फ्लैप करने की, फड़फड़ाने की कोशिश की, वो डर गया. वाई? क्योंकि पहाड़ के नीचे ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी स्ट्रेच हो रही थी, यानी एक बहुत बड़ा समंदर फैला हुआ था. इट वॉज़ अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, यानी कि वो सी बहुत गहरी थी. नेचुरली सीगल डर गया. ही फेल्ट सर्टेन, यानी कि उसे एक श्योरिटी वाली फीलिंग आ रही थी. उसे लग रहा था कि पक्का उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और ऐसा होने पर वो नीचे ओशन में डूब जाएगा. इसलिए वो डर कर वापस अपने लेज में बने छोटे से एक होल यानी गड्ढे में जाकर छुप गया था. पूरी रात वो वहीं पर सोया था जबकि उसके ब्रदर्स और सिस्टर पहले ही उड़ चुके थे. वैसे तो उसके सिबलिंग्स यानी भाई बहन के विंग्स उसके विंग्स की कंपैरिजन में फार शॉर्टर यानी काफ़ी छोटे थे, पर फिर भी वो पहले उड़ना सीख गए थे. इवन जब वो तीनों लेज के किनारे तक उस बेबी सीगल को बुलाने आए, उन्होंने अपने विंग्स फ्लैप करके उसे एंकरेज करना चाहा और वापस भी उड़कर चले गए. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट. इसका क्या मीनिंग है कि वो इतना साहस अपने अंदर इकट्ठा नहीं कर पाया कि वो उस प्लंज यानी फॉल, उड़ान के लिए डुबकी ले सके, जो कि उसकी नज़र में बहुत डेस्परेट यानी आउट ऑफ कंट्रोल और डरावनी थी. वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया. उस सीगल के फादर और मदर भी वहाँ उसे कॉल करने लगे, अपनी तरफ श्रिली यानी एक हाई पिच्ड टोन में बुलाने लगे.
उन्होंने उसे अपब्रेड किया यानी स्कोल्ड किया, उसे डांटा, थ्रेटन किया यानी उसे डराने धमकाने की कोशिश की कि अनलेस ही फ्लू अवे दे वुड लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज। दिस मीन्स कि अगर उसने उड़ान नहीं भरी वो उसे वहीं लेज पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। दे डिड सो ताकि एटलीस्ट इस डर से वो उड़ने की कोशिश तो करें, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। यानी अपनी ज़िंदगी के लिए उसे खूब डर था, सो वो वहाँ लेज पर से नहीं हिला। खैर ये सब घटना जो थी वो तो 24 आवर्स पहले यानी एक दिन पहले हुई थी। एट दैट मोमेंट वो सीगल लेज पर अकेला बैठा था, कल से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर यानी कल ही एक दिन पहले ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन उसने अपने पेरेंट्स को अपने दोनों ब्रदर्स और एक सिस्टर के साथ फ्लाई करते हुए देखा था। दे वर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की परफेक्ट कला सिखा रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स यानी लहरों के सरफेस पर कैसे जल्दी से मूवमेंट करके, और मतलब फिश पकड़ने के लिए कैसे डाइव मारनी है यानी पानी में कैसे डुबकी लगानी है। इन शॉर्ट उसके पेरेंट्स अपने उन तीनों बच्चों को सर्वाइवल के तौर तरीके टीच कर रहे थे। इनफैक्ट हमारे छोटे सीगल ने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग को पकड़ते और डिवोर करते यानी खाते हुए देखा था। हेरिंग क्या होती है? इट इज़ अ सॉफ्ट फिंड फिश जो ओशंस में पाई जाती है। एंड हिज ओल्डर ब्रदर स्टूड ऑन अ रॉक डिवोरिंग हिज हेरिंग वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। यानी उसका बड़ा भाई अपनी पहली फिश पकड़कर एक चट्टान पर खड़े होकर उसे खा रहा था और उसके पेरेंट्स प्राउडली उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे रेजिंग अ प्राउड कैकल, यानी उसके इस अचीवमेंट पर गर्व से शोर मचा रहे थे। नाउ आई रिलेट विद दिस मोमेंट। जब भी हम कुछ बढ़िया काम करते हैं या कोई प्राइज जीत कर लाते हैं तब हमारे पेरेंट्स भी तो हमें कितनी शाबाशी देते हैं, एनकरेज करते हैं और सबको आपकी अचीवमेंट के बारे में प्राउडली बताते हैं। सेम यही यहाँ इस सीगल फैमिली के साथ था। इस तरह से पूरे दिन उस यंग सीगल ने मतलब अपनी फैमिली को क्या क्या करते हुए देखा। उस यंग सीगल की फैमिली ने क्या किया? दे वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवर्ड आइज। उस पहाड़ पर जहाँ बेबी सीगल बैठा था उसके अपोजिट ही यानी उसके बिल्कुल सामने एक क्लिफ था, एक छोटा पहाड़ था जिसके ऊपर एक बड़ा सा प्लेट्यू यानी टेबल्ड अनइवन लैंड पीस था। बेबी सीगल की फैमिली वहाँ खड़े होकर उसे उसकी कोवर्डीज यानी टिमिडिटी डरपोकपंती के लिए टॉन्ट कर रहे थे, उसे ताने मार रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक्चुअली वो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे, इन दिस वे दे वर जस्ट ट्राइंग टू फोर्स हिम टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब सीगल लेज पर अकेला था, सन धीरे धीरे आसमान में असेंड कर रहा था यानी सिर पर चढ़ता जा रहा था, ड्यू टू विच इट वॉज अबाउट ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। सीगल का लेज सदर्न डायरेक्शन को फेस कर रहा था और ऊपर से सूरज की तेज़ धूप ब्लेज कर रही थी यानी बहुत गर्मी हो गई थी। सीगल को ये हीट इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया था, ड्यू टू विच ही फेल्ट वेरी वीक। अब वो धीरे से लेज के किनारे पर गया और अपनी एक लेग पर खड़ा हो गया, दूसरे पैर को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया। उसने अपनी एक आँख बंद की फिर दूसरी प्रिटेंडिंग टू स्लीप यानी सोने का नाटक करते हुए। वाई? ताकि उसकी फैमिली उसको नोटिस करे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम यानी उन्होंने उसे कम्प्लीटली इग्नोर किया। उसने अपने भाई बहन को प्लेटियो पर लेटे हुए देखा डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। डोजिंग यानी सोते हुए। उन्होंने अपने सर को अपनी गर्दन में छिपा रखा था सोते हुए। कैरेक्टरिस्टिकली ज़्यादातर बर्ड्स ऐसे ही सोते हैं। उसके फादर अपनी वाइट बैक यानी सफ़ेद कमर के फेदर्स को प्रीन कर रहे थे यानी ग्रूम कर रहे थे, अपने पंखों को संवार रहे थे। केवल उसकी मदर ही उसकी तरफ देख रही थी। वो उस प्लेट्यो के एक छोटे हाई हम्प यानी एक ऊंचे हिस्से पर खड़ी थी, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड लाइक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो सीना चढ़ाकर खड़ी थी। नाउ एंड अगेन यानी बार बार वो अपने फीट अपने क्लॉज के पास पड़े फिश के एक टुकड़े को टीयर कर रही थी, उसे चीर रही थी लाइक एंड स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। यानी कि वो अपनी बीक को चोंच को एक पत्थर की साइड्स पर स्क्रैप कर रही थी, वो इस तरह अपनी बीक को शार्पन कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम यानी उस फिश पीस की खाने की झलक उस यंग सीगल को पागल कर रही थी बिकॉज ही वॉज सो हंग्री एट द मोमेंट। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। नाउ ही थॉट हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट।
यानी कि वो सोच रहा था कि कैसे उसे भी उस तरीके से अपने खाने को टियर करना पसंद है, अपनी बीक को बार बार स्क्रैप करके टू वेट इट, यानी कि उसको शार्पन करके खाना पसंद है. नाउ ही बिगेन टू क्राई इन द मैनर ऑफ बर्ड्स, स्पीकिंग और मेकिंग अ साउंड लाइक गा गा गा. वो अपनी मदर से बेग कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे थोड़ा खाने को लाकर दे दें. But she didn't do so. Instead, she screamed something like gaw kola back at him derisively. Yani ek aise manner mein jo ki us baby seagull ko uski galti ka ehsaas karwaye. Like wo use ek tarah se taunt kar rahi thi ki wo khud aakar khana le jaye. Par wo fir bhi plaintively unhe call karta raha. Yani ek sad tarike se dukhi hokar bulata raha. And after a minute or so, he let out a joyful scream. He uttered a joyful scream. Yani ki wo khushi se chillaya. Why? Because his mother had picked up a piece of fish and she was flying across to him with it. Uski mother fish ka ek tukda lekar uske paas wahan udkar aa rahi thi. He leaned out eagerly. Yani bahut excitement ke saath wo aage ki or jhuka. अपनी फीट से उसने पत्थरों को टैप किया और जैसे जैसे हिज मदर फ्लू अक्रॉस, वो उनके और पास जाने की कोशिश करने लगा क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड था, वो बहुत ही हंग्री था. पर वो जैसे ही उसके अपोजिट आई, उसके सामने आई, शी हॉल्टेड, यानी वो रुक गई, शी स्टॉप्ड, एंड उनके पंख मोशनलेस हो गए, यानी विदाउट एनी मूवमेंट. और जो फिश पीस उनकी चोच में था वो बेबी सीगल की बीक के ऑलमोस्ट विद इन रीच था, यानी पकड़ में आ सकता था. इट वॉज दैट क्लोज. नाउ द बेबी सीगल वॉज सरप्राइज्ड. उसे तो लग रहा था कि उसकी मम्मा उसके लिए खाना लेकर आई है, बट देन वाई डिड शी स्टॉप वंडरिंग कि वो उसके पास क्यों नहीं आई. और हंगर यानी भूख के मारे पागल होते हुए ही डाइव्ड आउट एट द फिश, यानी उस फिश पीस की तरफ उसने छलांग लगाई. At that moment, उसे कोई परवाह नहीं थी कि नीचे सी है एंड हाउ ही वुड फ्लाई. ऑल ही केयर्ड अबाउट वॉज द पीस ऑफ फिश इन हिज मॉम्स बीक. पर अब छलांग लगाने के बाद उसे ये सब रियलाइज़ हुआ और वो इंस्टेंटली डर गया. ज़ोरों से चिल्लाते हुए वो बाहर नीचे की तरफ हवा में गिरा. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. यानी कि वो एक बहुत बड़ा डर, बहुत ही भयंकर वाला डर उसे लगा और उसकी धड़कन डर के मारे मानो एकदम से स्टिल हो गई हो, रुक गई हो. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया. पर यह सब केवल एक मिनट के लिए ही रहा. अगले ही पल उसने अपने विंग्स को बाहर की तरफ स्प्रेड होते हुए, यानी फैलते हुए महसूस किया. उसके ब्रेस्ट फेदर्स यानी सीने पर, स्टमक के नीचे और पंखों के अगेंस्ट उसे हवा बहती हुई फील हुई. ही फेल्ट हाउ द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. लाइक वो कैसे उसके विंग्स हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ. यानी अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, बट वो धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे की तरफ सोर कर रहा था, यानी उड़ रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. यानी कि उसे अब डर नहीं लग रहा था, बस उसे थोड़ा डिजी यानी चक्कर आने वाली फीलिंग महसूस हो रही थी, जैसे कि वो स्पिन कर रहा हो और अपना बैलेंस खो रहा हो. देन उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे वो थोड़ा और ऊंचाई पर उड़ने लगा. नाउ हिज मदर बिगैन मेकिंग नॉइस एज शी स्वूप्ड पास्ट हिम. यानी वो एकदम से उसके पास से उड़ते हुए गुजरी. वो भी उनको जवाब देते हुए चीखने लगा. फिर उसके फादर भी चिल्लाते हुए उसके ऊपर की ओर उड़ने लगे. बेबी सीगल ने अपने ब्रदर्स और अपने सिस्टर को भी अपने अराउंड उड़ते हुए देखा. देवर करविटिंग यानी हॉर्स की तरह छलांग लगाते हुए बैंकिंग, एक विंग को ऊपर और दूसरे को नीचे रखकर उड़ रहे थे और सोर कर रहे थे, डाइव कर रहे थे. इन दिस वे उसकी पूरी फैमिली उसके आसपास ही उड़ रही थी एंड वो सारे उसे एनकरेज कर रहे थे. और उस मोमेंट फिर वो पूरी तरह से ये भूल गया कि उसे उड़ना नहीं आता था. अब उसने खुद को कमेंड किया, यानी खुद को विश्वास दिलाया, अपने आप को एनकरेज किया डाइव, सोअर और कर्व करके उड़ने के लिए, ऑल दी वाइल श्रीकिंग श्रिली यानी एक तीखी सी आवाज़ में चीखते हुए. अब वो बिल्कुल नीचे बैठी सी के पास था और बिल्कुल उसके ऊपर से सीधा उड़ रहा था. जब उसने नीचे देखा, ही ऑब्जर्व्ड कैसे वो एक बड़ा सा ग्रीनिश कलर का समंदर था, जिसके ऊपर रिजेस यानी वाटर करंट और छोटी छोटी मूविंग लहरें थीं. ऑल दिस हाईली अम्यूज्ड हिम. यानी उसे ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था. इन रिस्पॉन्स उसने अपनी बीक को साइड की ओर घुमाया एंड ही कॉड अम्यूजली, यानी खुशी से बर्ड्स वाली साउंड क्रिएट की, लाइक क्रोज काऊ काऊ की आवाज़ निकालते हैं ना, इन दैट वे
एक्चुअली। नाउ अब उसने देखा कि उसकी फैमिली नीचे वाली ग्रीन फ्लोरिंग पर लैंड कर चुकी थी। वट वॉज दिस ग्रीन फ्लोरिंग? इट वॉज एक्चुअली द सी विच अपियर्ड लाइक अ सॉलिड ग्रीन लैंड। दे वर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रिली, यानी कि वो तेज़ आवाज़ में उसे अपनी तरफ बुलाने लगे। अब बेबी सीगल ने क्या किया, उसने अपनी लेग्स को ड्रॉप कर दिया सो दैट वो उस सी पर खड़ा हो सके। बट द सी हैविंग सो मच वाटर, आखिर वो उस पर कैसे खड़ा हो सकता था? एज अ रिजल्ट उसकी लेग्स समंदर में डूब गई। ये देखकर बेबी सीगल फ्राइट यानी डर के मारे चिल्लाया और उसने वापस राइज करने का अटेम्प्ट किया, अपने पंखों को फड़फड़ा के उड़ने की कोशिश की। एक्चुअली बींग जस्ट अ बेबी, उसे ये पता नहीं था कि सीगल्स पानी पर फ्लोट कर सकते हैं, दैट्स वाई ही सो अफ्रेड। पर अब वो यंग सीगल बहुत थक चुका था और भूख के मारे उसे बहुत वीक भी फील हो रहा था, इस कारण वो ऊपर नहीं उठ सका। ही वॉज एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एक्चुअली उड़ना उसके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था, इसलिए वो थक गया था। उसके फीट अब उस ग्रीन सी में सिंक कर गए, डूब गए। फिर उसकी बेली ने पानी को टच किया, बेली पर फेदर होने के कारण और इस वजह से वो नीचे डूबने का चांस उसका अब नहीं था। अब यंग सीगल पानी पर फ्लोट करने लगा और तैरने लगा था और उसके आसपास उसका परिवार भी स्क्रीम कर रहा था। दे वर प्रेजिंग हिम, वो उसे शाबाशी दे रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे और वो उसे डॉग फिश के स्क्रैप्स यानी टुकड़े ऑफर कर रहे थे। इन दिस वे वो सारे उसकी पहली उड़ान को सेलिब्रेट कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से उस बेबी सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है बिकॉज इट इज़ रियली एनकरेजिंग। यू नो रिसेंटली मेरा ASL हुआ था इंग्लिश में एंड द टॉपिक वॉज एडवांटेजेस ऑफ रिस्क टेकिंग, तो मैं इस स्टोरी को उस ASL से रिलेट कर पाती हूँ। सो आई फाइंड इट वेरी एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग। नाउ इट्स योर टर्न कि आप चैनल के कम्युनिटी टैब कम्युनिटी सेक्शन पर जाओ और पोल करो, वोट करो कि आप कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहते हो। प्लस आई एम ऑल्सो लिंकिंग द इंग्लिश प्लेलिस्ट, सो डू चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू like and share. Thanks.